अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ वॉक करने, और मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा आज की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, मॉर्निंग की। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉक करने, तो मेरे साथ रहिएगा और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इसी तरह मेरे साथ रहें और जो जो एक्टिविटी होगी सुबह की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है गाइस। आपको भी सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। शूज यहीं रखे मैंने। सो गाइज, ये देखें धूप भी आ गई है और अभी 9 बज रहे हैं। मैं वॉक से भी आ गई हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत मज़ा आया। और आज मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा आज मैं वॉक शुरू करती हूँ आज से। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन में मैंने आज वॉक की, और अब मैं बनाने वाली हूँ जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस बना रही हूँ। आधा घंटा हो गया मुझे आके, मैं 8 बजे गई थी, 8:30 बजे मैं आ गई थी, आधे घंटे की वॉक की थी, ठीक है। 9 बज रहे हैं अभी, और अभी मैं ऑरेंज जूस बना रही हूँ। फिर आधे घंटे बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह मेरे साथ रहें आज की मॉर्निंग रूटीन में। तो गाइस जूस बना लेते हैं, ठीक है, मशीन निकालती हूँ। और ये देखिए ऑरेंज, ये भी मैंने छीले हैं, ये 2 ऑरेंज हैं, बहुत है, ये इसका जूस बना लेंगे, 1 गिलास जूस बन जाएगा इसका, ठीक है। तो 1 मिनट, मैंने ना आधे से ज़्यादा जूस पी लिया और वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैंने बोला एंड में ये बचा, थोड़ा सा बच गया, तो मुझे एकदम याद आ गया, मैंने बोला बता देती हूँ। चले गाइस नाश्ता बना लेते हैं, ठीक है। तो आटा निकाल लेती हूँ, ये हमने निकाल लिया है आटा, और चाय भी रख देते हैं चूल्हे पे। ओके, सो गाइस मैंने दूध रख दिया है चूल्हे पे, और पत्ती निकाल लेते हैं। ओके, और घी भी निकाल लेते हैं। तो अब हम बना लेंगे पराठा, और साथ में चाय भी हमने चढ़ा दी है, और पत्ती डाल देते हैं इसमें। तो गाइज मैं ना एवरीडे की चाय बनाती हूँ, क्योंकि है ना मुझे डॉक्टर ने मना किया है भैंस के दूध की या गाय के दूध की चाय पीने से। तो मैं एवरीडे की चाय बनाती हूँ। चीनी इसमें मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चीनी नहीं पीते, मैं भी सिर्फ शहद डाल के पीती हूँ चाय में, मगर शहद आज ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, लेकर आऊँगी। तो सिर्फ थोड़ी सी चीनी मैं चाय में अपनी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझसे फीकी चाय तो बिल्कुल भी नहीं पी जाती। तो नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। मैंने ना जूस पी लिया ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का, तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बना देती हूँ नाश्ता। जूस पीने के बाद मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया, तो अभी अपने हस्बैंड के लिए बना देती हूँ मैं पराठा, तो मेरे साथ रहिएगा। सो गाइस नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं, चिकन। रोटी आप लोगों को तो नज़र आ नहीं रही होगी, सर मैं कैमरा ना इस तरफ रख लेती हूँ, पर आप लोगों को मेरा मुंह नहीं दिखेगा, पर एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। आज मैं ना चकोर पराठा बनाऊंगी, ठीक है। किस किस को पसंद है चकोर पराठा, टेस्ट तो वही होता है, बस ये कि शेप चेंज हो जाती है पराठे की।
मैं गोल भी बना के दे देती हूँ या फिर तिकोन भी बना देती हूँ, चकोर भी बना देती हूँ, जो मेरा मूड होता है ना, तो फिर वो मैं बना देती हूँ। साथ साथ मैं बातें भी करी हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ये सीन है। ये हो गया है। गैस चाय भी बनने वाली है और पराठा भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसके अंदर घी लगाना है। तो पराठा भी रेडी हो चाय की। मज़ेदार सा यानी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है, मज़ेदार। चलें तो ये रेडी हो गया है। तो सामान रख देते हैं कैबिनेट में। ठीक है, और चाय भी रेडी हो चुकी है। ये मैंने कल अचार कुछ बनाया था। ये देखें मज़ेदार सा हमारा पराठा रेडी है, बिल्कुल क्रिस्पी, और मुझे भी क्रिस्पी बहुत पसंद है पराठा। तो ठीक है, अभी मैं ये मैंने कल अचार कुछ बनाया था तो ये रात में बच गया था, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो इसे गर्म कर लेते हैं पराठे के साथ, यम्मी लगेगा। सो गाइज़ ये देखें, ये हमारा जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है ना, इसके अंदर आके कबूतर बैठ गया है। तो ये मुझे फ़ैन खोलते में भी डर लग रहा है कि उससे चोट ना लग जाए, तो इसलिए मैं नहीं खोल रही। मगर यहाँ धुआं बहुत हो गया था, तो मैं खोलने के लिए जब गई देखा यहाँ पर कबूतर बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं भी नहीं खोल रही ताकि इसे चोट ना लगे। ठीक है, मगर बहुत क्यूट लग रहा है। आप लोगों को आई होप पता नहीं नज़र आ रहा होगा या नहीं, पर साइड में है। पैन रख लिया है, सालन गर्म कर लेते हैं। ठीक है, ओके, पहले मैं ये डाल देती हूँ सालन, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अचार गुल भी गर्म हो गया है और चाय भी रेडी है। चले तो फिर नाश्ता निकाल लेते हैं। सो गाइस चाय बन गई थी तो अभी निकाल लेते हैं। मज़ेदार। ठीक है, तो नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मज़ेदार सा नाश्ता। अभी इसको एडजस्ट भी करना है, बड़ी ट्रे लेती हूँ। ये देखिए गाइस मज़ेदार सा नाश्ता रेडी। नाश्ता इज डन। तो ये हो गया है और ये थोड़े से बर्तन है ये धो लेते हैं, फिर हमारा काम फिनिश। मेरे जो बर्तन ही रह गए थे तो मैंने बोला जल्दी से ही धो लेती हूँ ताकि वीडियो भी कम्प्लीट हो जाए। जल्दी हम पहले साबुन लगा लेते हैं।
बर्तन मेरे धुल गए, बस ये मशीन रह गई है, धो लेती हूँ। सो गाइस, काम मेरा हो गया है फिनिश, आपका काम मेरा डन हो गया है। रूम की सफाई भी मैंने की है, मगर वो मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पर मेरे हस्बैंड और वो पसंद नहीं करते वीडियो में आना, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता उनको, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ की नहीं बनाई क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा लगता है, एक बल्ले मुझे पसंद नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना उनके सामने फिर करना, तो इस वजह से मैंने कमरे की नहीं दिखाई आपको। वैसे मैंने कमरे की भी सफाई कर ली, मेरा सारा काम हो गया, ठीक है। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ देखें कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, यहाँ मैंने कल कपड़े भी धोए थे तो वो भी सूख गए हैं। और कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। तो इसी तरह फिर मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने इस पर बहुत सारा प्यार दिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।